बीकॉम सेकेंड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, आपके एबीएससी पेपर फर्स्ट में इनकम टैक्स में अपना जो चैप्टर चल रहा है वो है असेसमेंट ऑफ फर्म, फर्म का कर निर्धारण यानी साझेदारी संस्था का कर निर्धारण। तो साझेदारी संस्था के कर निर्धारण के संबंध में मैंने आपको इससे संबंधित जो प्रावधान है कि किस तरह से एक फर्म की कुल आय की गणना की जाए, टैक्स लायबिलिटी की गणना कैसे की जाए और कौन कौन से फर्म से संबंधित आयकर से संबंधित प्रावधान हैं, वो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो और पीडीएफ भेज करके आपको समझाने की पूरी पूरा प्रयास किया है। आज जो मैं आपको ये वीडियो का लेक्चर देने चाह रहा हूँ, उसमें मैं चाह रहा हूँ कि एक जो फर्म है उसकी कुल आय की गणना किस प्रकार की जाती है और साथ ही साझेदारों की टैक्सेबल कितनी इनकम होगी उस फर्म से, ये आज का क्वेश्चन है। और जहाँ तक के टैक्स लायबिलिटी फर्म की निकालने की बात है, तो फर्म की जितनी भी टोटल इनकम है उस पे आपको मैंने पीडीएफ में भेजा, 30% के हिसाब से टैक्स लगता है इनकम टैक्स, और फिर जो टैक्स आता है उसमें 4% सरचार्ज एजुकेशन सेस जुड़ जाता है, और अगर फर्म की 1 करोड़ से ज़्यादा टैक्सेबल इनकम है तो 12% सरचार्ज भी लगता है। तो अभी ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप एक साझेदारी संस्था की टैक्सेबल इनकम टोटल इनकम निकालेंगे। तो इसमें देखिए, जैसे असेसमेंट ऑफ फर्म में भी क्या है, जैसे असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, असेसमेंट ऑफ एचयूएफ में जैसे आपने देखा था कि जो विभिन्न शीर्षकों की जो आय है वो निकाल करके उसका जोड़ लगाते हैं, ग्रोथ टोटल इनकम होती है और उसमें डिडक्शन देते हैं टोटल इनकम होती है। तो प्रोसेस वही है, केवल क्योंकि इनका जो अलग अलग प्रकार का नेचर होता है इनकी इनकम का, तो उसको देखते हुए एक फर्म के अंदर आपको क्या है कि ज़्यादातर बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम मिलेगी। ज़्यादातर कौन सी इनकम मिलेगी? बिजनेस एंड प्रोफेशन। सैलरी एड की तो मिलेगी नहीं, केवल मिल सकती है आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। तो अभी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आपको टैक्सेबल इनकम एक फर्म की निकालनी है, टोटल इनकम। तो इसमें देखिए, आपकी टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि ए बी तथा सी एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि क्रमशः 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ हानि खाता निम्न प्रकार दिया हुआ है। तो लाभ हानि खाते के क्रेडिट में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ 2,90,000 रुपये और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज दे रखा है 10,000 रुपये, और इसकी डेबिट साइड में सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंसेस 1 लाख दे रखे हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 20% के हिसाब से ए का 16,000, बी का 14,000, सी का 12,000 और टोटल दे रखा है 42,000। रेंट टू बी 30,000 रुपये, सैलरी टू बी 72,000 रुपये और कमीशन टू सी 36,000 रुपये, और नेट प्रॉफिट दिखा रखा है 20,000। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है फर्म का, उसकी मैंने डेबिट एंड क्रेडिट में आपको बताया क्या क्या दिया हुआ है। फिर देखिए क्या पूछ रहा है, फर्म की कुल आय की गणना कीजिए तथा फर्म के तीनों साझेदारों की साझेदार के रूप में कर योग्य आय की गणना कीजिए। बी तथा सी सक्रिय साझेदार हैं। अब देखिए, इसमें सक्रिय और निष्क्रिय जो साझेदार होते हैं उसमें क्या फर्क पड़ता है कि जो साझेदारों का पारिश्रमिक जो स्वीकृत होता है वो केवल सक्रिय साझेदारों का होता है, निष्क्रिय साझेदारों का नहीं होता। जो साझेदारों का पारिश्रमिक है, रेमुनरेशन, वो केवल किसका अलाउड होगा? केवल जो आपके सक्रिय साझेदार हैं, निष्क्रियों का पारिश्रमिक अलाउड नहीं होगा। तो एक साझेदार को पारिश्रमिक के अंदर क्या होता है, साझेदार को मिलने वाला सैलरी है, कोई कमीशन है, कोई बोनस है, इसको बोलते हैं साझेदारों का पारिश्रमिक। तो इस क्वेश्चन को करते समय ध्यान रखना कि अपन बी और सी जो सक्रिय साझेदार हैं उनके पारिश्रमिक कोई अलाउड करेंगे, दूसरों को अलाउड नहीं करेंगे।
तो अभी ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो इसको करने के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए आपको क्या करना है कि इसमें आपको दूसरी चीज इसमें ये भी पूछा है कि तीनों साझेदारों की साझेदार के रूप में करियों की आय की गणना कीजिए, इंडिविजुअल टैक्सेबल इनकम भी आपको दिखानी है साझेदारों को, साझेदारी संस्था से कितनी मिली है। तो इसमें आप दो स्टेटमेंट बनाएंगे। देखिए ये जो पहला स्टेटमेंट है इसमें आप बनाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ फर्म फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 और इसमें कॉलम खींच लीजिए, एक कॉलम अमाउंट का और पार्टिकुलर्स का। अब जो आपका पार्टिकुलर्स का जो कॉलम है उसमें पहले अपन इस फर्म की इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन निकालेंगे, तो यहाँ हेडिंग लगाएंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब इस फर्म की व्यवसाय तथा पैसे शीर्षक की अपन करियोग्य आय निकालेंगे। अच्छा, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जब किसी फर्म की व्यवसाय तथा पैसे शीर्षक की करियोग्य आय निकालते हैं तो उसमें आपको जैसे आप इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले चैप्टर में टैक्सेबल इनकम निकालते थे उसी तरह से यहाँ भी अपन टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन निकालेंगे और उसमें से केवल साझेदारों का पारिश्रमिक जो है उसको डिसअलाउड करते हुए जो टैक्सेबल निकलेगी उसको बोलेंगे बुक प्रॉफिट, उसको बोलेंगे पुस्तकीय लाभ। और फिर पुस्तकीय लाभ में से, बुक प्रॉफिट में से साझेदारों का जो स्वीकृत पारिश्रमिक है उसको आप घटाएंगे तो फिर आपको वो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन फर्म की आ जाएगी। अब हानि की दशा में देखो पुस्तकीय लाभ का मतलब साझेदारों का पारिश्रमिक कितना स्वीकृत है या कितना स्वीकृत नहीं है इसके बारे में मैंने आपको PDF में बताया था कि जो पुस्तकीय लाभ है उसके पहले 3 लाख का 3 लाख रुपए तक 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1,50,000 विच एवर इज ओवर, और इसके अलावा जितना है तो 60% ऑफ बुक प्रॉफिट। तो ये आपको साझेदारों का स्वीकृत पारिश्रमिक के संबंध में मैंने आपको PDF में बताया था कि किस तरह से साझेदारों का जो स्वीकृत पारिश्रमिक है अधिकतम जो सीमा है वो क्या है। एक बार दोबारा सुन लीजिए कि धारा 40B के अनुसार 40B अंडर सेक्शन 40B निर्धारित सीमा कैसे, अगर हानि की दशा में देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो साझेदारों का पारिश्रमिक है वो 1.5 लाख रुपए तक अधिकतम स्वीकृत है और अन्य दशा में लाभ की अवस्था में प्रथम 3 लाख रुपए तक पुस्तकीय लाभ के प्रथम 3 लाख रुपए तक पुस्तकीय लाभ का 90% अथवा 1.5 लाख दोनों में जो भी अधिक हो, और शेष अगर लाभ है तो ऐसे लाभों का 60%। तो ये ए पॉइंट और बी पॉइंट में एक्चुअल रेम्यूनरेशन अगर कम है तो फिर एक्चुअल ही अलाउड होगा, जो साझेदारी परलेख के अनुसार पार्टनरशिप डिड के अनुसार जो एक्चुअल है तो एक्चुअल होगा। फार्मूले से जो आप निकालेंगे अधिकतम पारिश्रमिक की सीमा वो और एक्चुअल दोनों की तुलना करेंगे, ठीक है। तो यानी कि एक्चुअल अगर फार्मूले के हिसाब से अधिकतम से ज़्यादा है तो फिर अधिकतम वाला देंगे और अधिकतम से एक्चुअल कम है तो फिर एक्चुअली पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन अपन अलाउड करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपने देखा कि पहला अपन टोटल इनकम फर्म की निकाल रहे हैं तो आपने हेडिंग लगाया इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और जिस तरह से बिजनेस एंड प्रोफेशन में आप टैक्सेबल इनकम निकालते थे उसी तरह से यहाँ निकालेंगे। थोड़ा सा फर्क है कि यहाँ बुक प्रॉफिट इसमें फर्म की आय में बिजनेस प्रोफेशन निकालते समय निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद अलाउड जो साधारण पारिश्रमिक घटाने के बाद जो है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आती है। तो अभी देखिए इसमें क्या करेंगे कि नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट 20,000 के क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है निकाल करके, अब उसमें से लिखेंगे एड डिसअलाउड एक्सपेंसेस। अब डिसअलाउड एक्सपेंसेस में इस क्वेश्चन में क्या है कि जैसे साझेदारों को जो पूंजी पर ब्याज है वो 12% तक ये अलाउड है और क्वेश्चन में 20% के हिसाब से दिया हुआ है, 20% के हिसाब से ए को 16, बी को 14, सी को 12, तो अपन क्या करेंगे कि जो 8% अधिक इंटरेस्ट है उसको डिसअलाउड करेंगे, उसको डिसअलाउड करेंगे। तो कैसे डिसअलाउड करेंगे कि किसी चीज का 20% अगर आपको मालूम है तो उसका 8% भी निकाल सकते हैं,
भाई 20% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, 12% अलाउड, तो डिसअलाउड कितना हो गया 8%। किसी चीज का 20% आपको पता है तो 8% भी निकालेंगे, तो किसी चीज का 20% इतना, 1% कितना और 8% कितना, यानी कि जो अमाउंट दिया हुआ है उसको अपन इंटू 8/20 8/20 कर लेंगे तो वो आपका डिसअलाउड वाला हिस्सा आ जाएगा। तो इसमें जैसे ए को 16,000 है तो 16,000 का 8/20 ये कितना आ जाएगा आपके 6,400 रुपये। इसी तरह से बी का है 14,000, 14,000 का 8/20 किया 5,600। इसी तरह से आपका सी है, सी का जितना दिया हुआ है 12,000 रुपये है, जैसे 12,000 रुपये ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20% के हिसाब से है तो एक्सेस कितना हो गया, 12% तक अलाउड होता है तो 8% एक्सेस हो गया, तो 8/20 करेंगे तो ये आ जाएगा 4,800। तो ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का डिसअलाउड हो गया 12% से अधिक वाला हिस्सा, तो ये तीनों का जोड़ कर लीजिए 16,800 रुपये। फिर इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है रेंट टू बी। अब इसमें साझेदार को रेंट फर्म की तरफ से दिया गया है तो वो एज ए साझेदार के हैसियत के हिसाब से नहीं, भाई बी ने अपना कोई मकान वगैरह दे रखा है हाउस फर्म को तो उसके एज ए लैंडलॉर्ड के रूप में बी को असल में वास्तव में किराया चुकाया गया है तो इसको डिसअलाउड नहीं करेंगे, ये अलाउड होगा। फिर है आपके सैलरी टू बी। अब साझेदारों के पारिश्रमिक को एक बार अपन क्या करेंगे, डिसअलाउड करेंगे, बुक प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसमें से अलाउड पार्टनर्स रेमुनरेशन की गणना करेंगे। तो जो साझेदारों का जो पारिश्रमिक है उसमें सैलरी टू बी डिसअलाउड कीजिए, सैलरी टू बी 72,000 रुपये क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर इसी तरह से कमीशन टू सी क्वेश्चन में दिया हुआ 36,000, उसको भी डिसअलाउड कीजिए। तो ये डिसअलाउड के तीनों आइटम्स हैं, इनका जोड़ 1,24,800 हुआ। और प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में अगर कोई इस हेड के अलावा दूसरी इनकम है बिजनेस प्रॉफिट में उसको लेस कर लीजिए, तो अपन करेंगे लेस इनकम्स नॉट चार्जेबल टू दिस हेड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी देर है 10,000 रुपये क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में, जो इस किताब में क्वेश्चन दिया आपके टेक्स्ट बुक में, तो इसको माइनस कर लीजिए तो ये आपका आ गया बुक प्रॉफिट 1,34,800। अब ये 1,34,800 जो आपका बुक प्रॉफिट आया है इसमें से आपको क्या करना है, साझेदारों का स्वीकृत पारिश्रमिक है वो माइनस करना है और निष्क्रिय साझेदार है उसका जो पारिश्रमिक है वो अलाउड नहीं होगा, केवल जो एक्टिव हैं सक्रिय साझेदार हैं उनका पारिश्रमिक अलाउड होगा। तो अब इसमें देखिए आपके बी और सी सक्रिय साझेदार हैं तो बी की तो सैलरी 72,000 और सी का कमीशन 36,000, यानी कि 1,08,000 रुपये एक्चुअल रेमुनरेशन है। तो क्या ये पूरा स्वीकृत हो जाएगा या कुछ इसका हिस्सा स्वीकृत होगा, तो ये देखने के लिए आपकी बुक में फार्मूला दिया हुआ है कि पुस्तक के लाभ के पहले 3,00,000 रुपये तक लाभों का 90% या 1,50,000 रुपये जो भी अधिक हो और बाकी जो है उसके ऊपर 60%। तो अपना जो पुस्तक के लाभ हो 3,00,000 से कम है तो अपन क्या करेंगे कि लेस अलाउड रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स इसकी कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि पुस्तक के लाभ का 90% और 1,50,000 दोनों में जो अधिक है 1,50,000 इसको लिखेंगे ए पॉइंट, ठीक है, और बी पॉइंट में लिखेंगे साझेदारों का एक्चुअल रेमुनरेशन। तो एक्चुअल रेमुनरेशन कितना है, 72,000 सैलरी टू बी और कमीशन टू सी 36,000, तो ये आपका आ गया 1,08,000। अब देखिए जो आपको धारा 40B के अंदर है, धारा 40B में जो मैक्सिमम रेमुनरेशन अलाउड है पार्टनर्स का उसके हिसाब से इस क्वेश्चन में 1,50,000 रुपये तक पारिश्रमिक अलाउड हो सकता है अकॉर्डिंग टू दी रूल ऑफ सेक्शन 40B, और एक्चुअल रेमुनरेशन है 1,08,000। तो अब इसमें कितना अलाउड करेंगे अपन, एक्चुअली अलाउड करेंगे, तो इसमें विच एवर इज लेस, तो विच एवर इज लेस का मतलब हुआ कि 1,08,000 रुपये इनका रेमुनरेशन अलाउड है, यानी जो एक्चुअल अगर कम है फार्मूले से तो उतना ही अलाउड करेंगे। तो अब इसमें क्योंकि एक्चुअल से ज़्यादा अलाउड नहीं कर सकते तो इसमें 1,08,000 रुपये इसमें से माइनस कर दीजिए 1,34,800 में से 1,08,000, तो ये आ गई आपकी 26,800। इसको बोलेंगे क्या, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ दी फर्म, फर्म की व्यवसाय तथा पैसे शीर्षक की करी होगी आ गई 26,800। अब इसी स्टेटमेंट पे क्योंकि अपन इसकी
फर्म की जो है टोटल इनकम निकालते हैं तो इसमें प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अदर इनकम भी है, तो उसको लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 10,000 इसमें जोड़ दीजिए, तो ये आपकी टोटल इनकम ऑफ द फर्म आ गई 36,800। तो ये जो पहला स्टेटमेंट आपने बनाया है ये है आपकी फर्म का, फर्म की टोटल इनकम निकालने का। टोटल इनकम आपने कैसे निकाली है कि पहले आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन की इनकम निकाली और इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और उसका जोड़ मारा, तो 36,800 आपकी टोटल इनकम आ गई। अब इस क्वेश्चन में तो टैक्स लायबिलिटी पूछी नहीं है, लेकिन अगर मान लो टैक्स लायबिलिटी भी अगर पूछे फर्म की इस क्वेश्चन में, तो आप कर सकते हो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ द फर्म। तो इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम एट द रेट ऑफ 30%, 36,800 जो इनकम है उस पर 30% के हिसाब से टैक्स निकाल लीजिए और उसमें ऐड एजुकेशन सेस 4% उस टैक्स का निकाल के उसमें जोड़ दीजिए, तो वो टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी फर्म की। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, टैक्स लायबिलिटी टोटल इनकम पूछिए फर्म की और साझेदारों की फर्म से करियोगे आय पूछिए व्यक्तिगत। तो टैक्स लायबिलिटी अगर इस क्वेश्चन में पूछते तो मैंने आपको बता दिया कि जो इसकी इनकम आई है इस पे आप 30% इनकम टैक्स कैलकुलेट कर देंगे, एक अलग से स्टेटमेंट बनाएंगे, हेडिंग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 इनकम टैक्स ऑन 36,800 एट द रेट ऑफ 30% इतना और एड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% जो टैक्स है उसका अपॉर्चुनिटी लेके इसमें जोड़ देंगे, तो वो आपके टैक्स लायबिलिटी ऑफ द फर्म आ गई। अब दूसरा जो हिस्सा इस क्वेश्चन का है उसमें है साझेदारों की व्यक्तिगत आय, वो इसमें आपको निकालनी है, तो इसका अलग से स्टेटमेंट बनाइए, हेडिंग लगाइए इधर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनर्स फ्रॉम द फर्म, पार्टिकुलर्स ए बी सी तीन साझेदार हैं, तो इसमें व्यक्तिगत इनकम फर्म से साझेदारों को इस जो प्रीवियस ईयर है उसमें कितनी हो रही है, तो उसमें क्या होता है कि साझेदारों की जो आय है वो एक तो आपको ध्यान रखना कि लाभ में हिस्सा जो होता है वो तो कर मुक्त होता है, दूसरा साझेदारों की जो स्वीकृत पूंजी पर ब्याज है अलाउड वाला जो हिस्सा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो इनकी व्यक्तिगत आय दिखाई जाएगी, और एक उनका स्वीकृत पारिश्रमिक जो है वो उनकी व्यक्तिगत आय के रूप में दिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक तो ये हेडिंग बनाया आपने, फिर इसमें लिखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कौन सा वाला हिस्सा है, स्वीकृत वाला, यानी कि जो टोटल जो इंटरेस्ट था 16,400 था ए का प्रॉफिट लॉस के डेबिट में 20% के हिसाब से, उसमें से 6,400 आपने डिसअलाउड कर दिया, तो ये जो 16,000 है 16,000 में से 6,400 माइनस कर दीजिए, अलाउड कितना हो गया 9,600। अब इसी तरह से बी का जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 14,000 है, डिसअलाउड है 5,600 माइनस कर दीजिए 8,400। इसी तरह से सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 है 20% के हिसाब से, अब इसमें डिसअलाउड 8% वाला हिस्सा 4,800 माइनस कर दीजिए, तो ये आपका आ गया 7,700। तो ये तो आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साझेदारों का ए बी सी का टैक्सेबल इनकम फ्रॉम दी फर्म। और दूसरा इसमें क्या है कि सैलरी टू बी, बी को सैलरी मिली है 72,000 रुपए, और तीसरा है कमीशन टू सी, 36,000 रुपए कमीशन मिला है सी को। अब ये ए बी सी का जो कॉलम है इसका जोड़ मार दीजिए, तो ये आ गई टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर्स फ्रॉम दी फर्म। तो इस हिसाब से ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है आपको मैंने करके दिखाया है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन किस तरह से करना है इसमें आपको इसकी प्रोसेस आनी चाहिए। तो इसमें एक तो स्टेटमेंट बनाया आपने टोटल इनकम निकालने का, और दूसरा बनाया टैक्सेबल इंडिविजुअल इनकम ऑफ पार्टनर्स फ्रॉम दी फर्म फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और अगर पार्टनर्स की अदर इनकम दे रखी है तो इसमें आप अदर इनकम भी कई बार क्वेश्चन में देते हैं वो इसके अलावा दिखा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर टुडे, थैंक यू वेरी मच।